नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बीएड सेकंड पेपर से बुद्धि क्या है, परिभाषा, बुद्धि का स्वरूप और इसकी विशेषता के बारे में। अगर आपने ऑल एंड सम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखते हैं बुद्धि क्या है। सामान्य अर्थ में अगर बुद्धि को देखा जाए तो सोचने, समझने और सीखने, निर्णय करने की शक्ति के रूप में इसे देखा जाता है, लेकिन वास्तव में बुद्धि इससे अधिक है। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की जो है परिभाषा अपने अपने ढंग से दिया है। सबसे पहले जो है बुद्धि के विषय में भारतीय दार्शनिकों ने चिंतन किया था। इनके अनुसार मनुष्य के अंतःकरण के तीन अंग हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। मन बाह्य इंद्रियों और बुद्धि के बीच जो है जोड़ने का कार्य करता है, संयोजक का कार्य यह करता है। पर देखेंगे बुद्धि के जो परिभाषा है उसको चार भागों में मनोवैज्ञानिकों ने बांट के देखा है। इसके अंतर्गत जो है समायोजन और बुद्धि पहला, दूसरा जो है अधिगम की योग्यता, तीसरा जो है अमूर्त चिंतन, चौथा है समस्या समाधान। समायोजन और बुद्धि, इसमें जो है कुछ विद्वानों ने बुद्धि को समायोजन के लिए आवश्यक माना है। जो व्यक्ति जितना शीघ्र अपने आप को नए वातावरण के प्रति खुद को जो है समायोजित कर लेता है वह उतना ही बुद्धिमान होता है। इस मत को जो मानने वाले हैं, टर्न के अनुसार बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है। दूसरा है अधिगम की योग्यता। कुछ मनोवैज्ञानिक बुद्धि को जो है सीखने की योग्यता मानते हैं। बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति अधिगम की योग्यता तथा अनुभव ग्रहण करता है। इस मत को जो मानने वाले विद्वान हैं बकिंगहम और डियरबोर्न। बकिंगहम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है और डियरबोर्न के अनुसार बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। तीसरा है अमूर्त चिंतन। कुछ मनोवैज्ञानिक बुद्धि को जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता मानते हैं। ऐसे विद्वानों के विचार में जो है टर्मन और स्पीयरमैन। टर्मन के अनुसार एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिसमें वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है। दूसरा जो है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि सामवर्धिक चिंतन है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने समस्या समाधान के आधार पर भी जो है इसको परिभाषित किया है। ऐसे मनोवैज्ञानिक है बर्ट और वेसलर। बर्ट के अनुसार बुद्धि में अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता होती है। वेसलर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह सार्वभौम शक्ति है जो उसे ध्येय युक्त कार्य करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायता देती है। अब देखेंगे बुद्धि का स्वरूप को। बुद्धि सीखने में सहायता करती है। अधिक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति शीघ्र ज्ञान अर्जित कर लेता है जबकि कम बुद्धि वाला देर से। बुद्धि जो है जन्मजात एवं आनुवांशिकता से प्राप्त शक्ति है जिस पर वातावरण का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि लड़का है या लड़की। बुद्धि जो है वह अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धिमान व्यक्ति कठिन परिस्थितियों, कठिनाइयों एवं समस्याओं का समाधान जो है आसानी से कर लेता है और इसका सामना भी वह कर सकता है। अधिकतर व्यक्ति औसत बुद्धि रखने वाले होते हैं। बुद्धि जो है वह नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता रखता है और बुद्धिमान शीघ्र समायोजन कर लेता है, लेकिन जो कम बुद्धिमान होता है वह देर से समायोजन कर पाता है। बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि जो है वह जन्मजात होती है। बुद्धि द्वारा व्यक्ति परिस्थिति को समझता है। अतीत के अनुभवों से वह लाभ उठाता है। नवीन परिस्थितियों से समायोजन करने में सहायक होती है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन करने की क्षमता प्रदान करती है। व्यक्ति के आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास भी करती है। जब जटिल समस्याएं का सामना करना पड़ता है तो उस समय उसे सरल बनाने में सहायक होती है बुद्धि। सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर
करने की योग्यता बुद्धि ही देती है। बुद्धि का विकास जो है जन्म से किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। बालक और बालिकाओं की बुद्धि में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। तो ये था बुद्धि क्या है या अर्थ, इसकी परिभाषा, स्वरूप और इसकी विशेषताएं। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।